नमस्कार, मैं एम एस सर की पाठशाला में हजारा बाबू के नगरी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रन भेरिया, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिसकी संघर्ष होगी जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं। क्लास एट वालों के लिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक वीडियो आपको मिल जाएगा, पीछे आप देख लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है इसको समझने का सबसे पहला है दायित्व आपका और समझाने का दायित्व मेरा। दो संख्याओं का अनुपात है तो पहले माना पड़ेगा क्या कि माना कि अनुपात बराबर x। अब जब अनुपात बराबर x हो गया तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पहली संख्या 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया 2x हो जाएगा तथा दूसरी संख्या बराबर कितना 5x। प्रश्न क्या बोला है आगे कि उनका अंतर 21 है, मतलब जो संख्या है उनको अगर घटाएंगे तो हमें 21 प्राप्त होता है। तो चलते हैं प्रश्न अनुसार। चूंकि दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 21, तो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना है 21 है। अब क्या कीजिए, दोनों संख्याओं को घटाइए, यहाँ आ जाएगा एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या 2x है बराबर 21, घटाइए तो कितना आएगा, तो आएगा 3x बराबर 21। इसलिए x बराबर 21/7 अर्थात 3 होगा, 3 × 7 = 21। तो 3 यहाँ था, 3 आकर के इधर गुना हो गया, गुना था उधर आके भागा हुआ, भागा दिए तो 7 आया। अब क्या ज्ञात करें, अब ज्ञात करना है पहली संख्या, अतः पहली संख्या हमने माना था 2x, आपको भी लिखना होगा 2x, तो 2 × 7 आ जाएगा 14 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना है, दूसरी संख्या बराबर 5x, दूसरी संख्या 5x है और 5 × कितना हो जाएगा 7, 5 × 7 = 35। तो आंसर आ गया है। एक अगर क्वेश्चन, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7/4 है, तो अनुपात की चर्चा या तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मानना पड़ेगा, देखिए माना कि अनुपात बराबर x। अब यहां हो जाएगा बालकों की संख्या कितना हो जाएगा 7x तथा बालिकाओं की संख्या कितना 4x। तो अनुपात अगेन x, बालकों की संख्या 7x 4x। अब क्या बोला, अरे बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी हैं इसको निकालना है। इसके लिए हम लोग को प्रश्न के अनुसार चला होगा, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो चूंकि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बालकों की संख्या 7x बालिकाओं की संख्या 4x, इन दोनों का अंतर कितना है 18 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा 3x बराबर 18। इसलिए
x बराबर 18 बटा 3, भागा दीजिए आ गया 3 6 18, अर्थात अनुपात जो आ गया 6। अब निकालना क्या है यहाँ, चूंकि बालकों की संख्या निकालिए, चूंकि बालकों की संख्या बराबर 7x है, अर्थात 7 × 6 लाए थे लोग, 7 6 42, तथा बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितना है 6x, 6 × 6 6x था कि 4x था, 4x यहाँ 4x है और आएगा 4 × 6 अर्थात 24। अतः कर दिया, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों या विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी मतलब भैया बालों की संख्या को जोड़ दीजिए, तो भैया कितने थे 42, बाल कितने 24, तो जोड़ा तो आया 66, ये रहा आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं पसंद लगा होगा, तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हाँ नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।